Cuties, assalamu alaikum. Myself Yashmin, welcome back to my vlog video. So in today's video I'm gonna share my full day vlog. Uske saath saath I wanted to share my this suit jo suit main banayi thi pichle video mein, aur main aapke saath share nahi ki thi kyunki isko main first time pehen rahi hu. Today it's Friday, so I thought ki aapke saath share karna chahiye. और हाँ, एक और चीज़, शायद किसी ने मुझसे पूछा था इस कवर के बारे में कि ये फ्रीज का कवर है, अब कहाँ से बाई की हो तो नहीं आ रही है, फ्रीज का कवर नहीं है. ये है सैंडल रखने वाला रैक है जो कि मैंने मीशो से बाई करा था 1000 रुपीज में. ये काफ़ी बड़ा है, लाइक लेट मी शो यू, ये इतना बड़ा है, ठीक है. और हाइट में भी मतलब है, इसमें लगभग 36 हील्स आपके रखा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है. एंड या अभी फ्राइडे का दिन था तो मैं शावर लेकर के अपना कुरान शरीफ वगैरह पढ़ करके फ्रेश हो गई हूँ, तो मैं बोली कि चलो ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. तो इस सूट को जो मैं स्टिच की हूँ, तो थोड़ा सा इसको लूज स्टिच की हूँ ताकि मैं इसको गर्मी में पहन पाऊँ डेली यूज़ में. एंड दिस इज़ माई स्लीव डिज़ाइन जिसको कि मैं डिज़ाइन कर रही थी क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा कम था, तो इसीलिए ये वाला डिज़ाइन मैं कर पाई हूँ. देख सकते हो छोटे 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 बो आपको देखने को मिल रहे होंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे बो है. और यहाँ पे भी इसका कपड़ा पता है कम था इसलिए मैं बीच से इसको कट करके ना ऐसा डिज़ाइन दी थी. और ये वाला सलवार का कपड़ा है ताकि सलवार और सूट दोनों में एक में मैच हो जाए. इसकी दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब आई एम इन लव विद इट. इस साइड की स्लीव का डिज़ाइन वैसे ही है, स्लीव भी हल्का सा मैं लूज रखी हूँ ताकि गर्मियों के टाइम में आप लोग जानते हो ना यार, बॉडी हगिंग काइंड ऑफ कपड़े हम लोग नहीं पहन सकते हैं. इसके यहाँ नेक पे डिटेलिंग्स था जो कि यहाँ तक आता, बट मैं कटिंग करके इसको छोटा ही कर दी थी क्योंकि मुझे यहाँ तक वाली डिटेलिंग्स पसंद नहीं है, बस एटलीस्ट यहीं तक वाली डिटेलिंग्स हो. पिजामा की बात करी जाए तो पिजामा बहुत ही स्ट्रेट वाला पिजामा है, एज यू कैन सी मेरे को अपनी टांगें उठा उठा करके दिखानी पड़ रही है. सो मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी मैं, और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए वही हमारा घिसा पिटा, और इसका मैं बहुत सारा यूज़ कर चुकी हूँ, इससे एक्चुअली मेरी स्किन बहुत अच्छे रहते हैं. सो गाइस, दिस इज माय आउटफिट. चलते हैं नीचे क्योंकि मम्मी बुला रही है और मम्मी खाना बना रही है. वैसे भी फ्राइडे के दिन खाना बनाने में बहुत लेट हो जाता है क्योंकि हम लोग नहाने धुलाने साफ सफाई में लग जाते हैं, तो उसके बाद फिर पढ़ना होता है. मम्मी तो खैर हमेशा नमाज कुरान पढ़ती हैं, बट मेरा है कि मैं स्पेसिफिक फ्राइडे के दिन पढ़ती हूँ. तो मैं यहाँ नीचे आई और मेरी मम्मी तस्वीर पढ़ रही थी, तो मैं बोली कि दो मैं बना देती हूँ जहाँ से बाकी है. तो यहाँ मैं चिकन बना रही थी, उसमें मैं मसाला वगैरह डाल रही थी. एक्चुअली पहले देखो, पहले ना मुझे खाना बनाने में बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं देखते गई, मतलब कुछ नया सीखने को और कुछ नया बनाने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट मिलने लगा. और अब मुझे अच्छा लगता है, मैं हर चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से करती हूँ. लाइक चिकन में मैं ये हमेशा पेस्ट डालती हूँ, ये प्याज और टमाटर का पेस्ट होता है, इससे ग्रेवी बहुत थिक होता है और टेस्ट काफ़ी अलग सा आता है. बाकी दही वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड चिकन को मैं काफ़ी डीप फ्राई करती हूँ क्योंकि डीप फ्राई चिकन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एंड हाँ, पहले मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था खाना वाना बनाने में, मैं मतलब सोचती थी कि मैं कभी खाना बनाऊंगी ही नहीं, बट टाइम के साथ सब बदल गया. फूड इज हियर, माय फूड हियर इज माय चिकन जो कि मैं खुद ही बनाई हूँ. एंड सैलेड में बस अनियन, साल्ट एंड मिर्ची. फटाफट से खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से. क्यूटीज, मेरा लंच डन हो चुका है और शाम के टाइम में लंच डन हुआ है, तो स्नैक्स वगैरह करने का फिलहाल तो कोई झंझट नहीं है. बट आज मैं सोच रही हूँ ना कॉफ़ी बनाने का, मतलब एकदम हार्ड वाला, वो क्रीम वाला, कैसे कैसे मतलब. हाँ, तो फिलहाल में पता है ठंड है, और तो वही मैं कंबल में घुस के बैठी पड़ी हूँ और अभी मैं करूँगी एडिटिंग. एंड या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वाला सूट. हाँ, तो मैं कर लेती हूँ एडिटिंग, उसके बाद फिर मैं आपको उससे मिलती हूँ. हो सके तो कपड़े भी चेंज कर लूँ, थोड़े मोटे मोटे वाले कपड़े पहन लूँ क्योंकि इससे सच में ठंड लग रही है. तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से. हे क्यूटीज, गुड इवनिंग. एंड आई एम गोना शेयर सम पॉइंट्स जो कि आप लोग को अपने माइंड में हमेशा रखना चाहिए, बिकॉज आई हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ सिचुएशन. तो उन सभी सिचुएशन को देखते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, एक्सपीरियंस्ड इंसान हो गई हूँ. मतलब ऐसा फील होता है मुझे कि मैं 85-100 साल की लेडी हो गई हूँ एक्सपीरियंस्ड के मामले में. बाकी शक्ल सूरत तो आप लोग अभी भी देख सकते हो ना, मैं बहुत ही जवान, हसीन, खूबसूरत हूँ. एंड माशाल्लाह इसमें भी नज़र ना लगे क्योंकि मैं उसी बेसिक पे आज आप लोग से बात करने वाली हूँ. सो आई वॉन्टेड टू टेल कि देखो,
ना तो किसी के साथ अपनी दुख शेयर करना, ना ही कभी किसी के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करना, स्पेशली जो अपने होते हैं उनके साथ तो बिल्कुल ही मत शेयर करना, मतलब जो नाम के अपने होते हैं। और एक्चुअली में हम लोग ढूंढ नहीं पाते कि वो नाम के अपने हैं कौन। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ दुख क्यों नहीं शेयर करना चाहिए। दुख आप शेयर करते हो फिर पता है क्या होता है, फिर वो जाते हैं दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, पाँचवें के पास, ऐसे आपकी तकलीफ़ों का ना 10 ढिंढोरा पीट करके फिर वो लोग आपकी तकलीफ़ों पर हंसते हैं कि इसी का ऐसा मिस्टेक था, इसीलिए ऐसा हुआ, इसी का ऐसा, इसने ही ऐसा कुछ किया था, इसको ऐसे करने का बहुत मन था, इसको इस चीज़ का बहुत लालच था, इसको उस चीज़ का बहुत लालच था। ठीक है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो तो मेरा कहना यही है कि सबसे बड़ा ये बेवकूफ़ाना हरकत है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करते हो। दूसरा पॉइंट, अपनी खुशी को कभी किसी के साथ शेयर इसीलिए नहीं करना चाहिए, लोग आपको खुश नहीं देख सकते हैं। ये आजकल की जो दुनिया है ना, ये आपको खुश बिल्कुल नहीं देख सकती है, ख़ास करके जो नाम वाले अपने होते हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट ना, जो नाम के अपने होते हैं कि हाँ भाई साहब हम तो तुम्हारे अपने हैं, अपने हैं अपने, कोई अपना नहीं होता है। खुशियाँ तो एक तो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, ऊपर से फिर वो कि हाँ पहले इतना नहीं था अब इतना हो गया, तो ये ज़्यादा उड़ने लगा है, ज़्यादा उछलने लगा है, तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो पढ़ लग गया है, ऐसे हो गया, मतलब लोग खुश नहीं होते आपकी खुशियों से। सो कभी अपनी खुशियों को भी किसी के साथ शेयर मत करना, तकलीफ़ों को तो बिल्कुल शेयर मत करना। अगर आप कुछ तकलीफ फेस कर रहे हो तो खुद तक रखो, हिम्मत रखो, एंड उसका सॉल्यूशन निकलेगा कुछ ना कुछ। अगर आप 10 लोगों से बात करते हो ना तो कोई आपको सॉल्यूशन नहीं देगा, बस वो आपको ब्लेम ज़रूर करेंगे कि तुमको ये चीज़ करने का बहुत ज़्यादा तलब था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अगर वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे ना तो आपके पीठ पीछे ज़रूर बोलेंगे कि हाँ उसका तो ऐसा सीन था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जो इंसान ज़्यादा उछलता है, जो इंसान ज़्यादा उड़ता है, उसके साथ ऐसे ही होता है ऐसा। क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ था और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। एक्चुअली वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं गए थे, बट जो मेरे अपनों ने, नाम के अपने उन लोगों ने देखा, तो उन लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मजाक ही बनाया। सो उस टाइम मेरे को समझ में आया। और खुशी का बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी खुशी को कभी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जादू टोना टोटका वगैरह 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 लुक करवाना शुरू कर देते हैं और अपनी निगाहों पे चढ़ा लेते हैं। और इस चीज़ का जिक्र हुआ है कुरान में भी कि जादू टोना टोटका रियल में होता है। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो 2-3 बार सोच समझ करके किसी से कुछ भी बोलना, ऐसे कभी भी कुछ भी चप्पड़ चप्पड़ नहीं कर देना। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस और इन्हीं सब वजह से थोड़ा सा मैं मेंटली स्ट्रेस थी। बट लास्ट वीडियो जो मैं शेयर की हूँ बैग फूड चैलेंज, उसमें मैं थोड़ा बाहर निकली, मैं थोड़ा दोस्तों से मिली तो थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हुआ। बट मैंने किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करा कि क्योंकि नहीं करना चाहती हूँ मैं। दोस्त भी कौन अपने खास दोस्त होते हैं, अब पास में रह के कौन आपको छुड़ा भोग देगा ये भी आपको नहीं पता है। तो इसीलिए कभी भी किसी के साथ ना ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए। सो चलो आज ना मैं आप लोगों को फटाफट से एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही कुछ चटपटा सा, मतलब तीखा सा, स्पाइसी सा खाने का मन हो रहा है, चिकन के फ्लेवर में। बटर चिकन नहीं बनेगा, बट मैं अंडा बना सकती हूँ और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। चलो ना दिखाती हूँ रेसिपी, चलो ज़्यादा क्या सोचना। तो यहाँ ना बहुत ही झटपट से रेसिपी के साथ, मतलब अंडे को बॉईल करने के लिए रखती हूँ मैं, इधर अनियन काट रही हूँ। और हाँ, इस मौसम में ना अनियन का ऐसे उग जाता है तो उसको फेंकना नहीं होता है, वो हमारे मसाले में बहुत अच्छे से काम देता है। या फिर आप उसका पकौड़ी वगैरह भी बना सकते हो। यार आप लोग भी सोचते होंगे कि याश्मिन कहाँ, मतलब मेकअप आर्टिस्ट की तरह आई थी यूट्यूब पे और अभी क्या से क्या कर रही है। तो मैं आपको बताती हूँ, आजकल लोग व्लॉगिंग देखना ज़्यादा पसंद करते, तो मुझे भी वही बनाना ज़्यादा पसंद आ गया। तो मैं यहाँ पर तेल डाली हूँ, उसमें ये फूड कलर है, और जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम लोग ना फ्लेम को धीमा करके तब उसमें एग को डालेंगे ताकि वो अच्छे से कलर आ जाएगा और अंडा जो है हमारा वो ज़्यादा उछलेगा भी नहीं। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि यार याश्मिन तो मेकअप बताने के लिए यूट्यूब पे आई थी, अब क्या कर रही है। तो लोगों को व्लॉगिंग देखना ज़्यादा पसंद है और मैंने मेकअप वाले वीडियो में मैं बहुत बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा स्किन भी डैमेज हो रहा था, बट यार उतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लाइक शेयर्स नहीं आ रहे थे, तो मेरा दिल पता है बहुत बैठा सा जा रहा था। और मैं सच बताऊँ मुझे कुकिंग में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, बट जब से मैं ये व्लॉगिंग करने लगी हूँ ना, टू बी दैट मच ऑनेस्ट, मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो जो प्याज मैं काटी थी उसमें 80% मैं डाल दूँगी। फिर यहाँ पर सौंफ भी लेके मैं डाल रही हूँ, मिर्च डाल दी थी, तेजपत्ता डाल दी थी, हल्का सा प्याज, और वो जो ग्रीन ग्रीन प्याज का उगा हुआ था ना उसको बस रख ली थी। यहाँ पर मैं मसाला में ऐड कर रही हूँ हल्दी,
नमक, जीरा गुलकी का पाउडर, मिर्च का पाउडर और लहसुन का पेस्ट, उन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी। कुछ भी हमें अलग से पीसने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यार पता है मुझे मतलब कभी भी बहुत पीसने वीसने का मन नहीं करता है, लेकिन हाँ कुछ खाने का बहुत अच्छा सा मन करता है। यहाँ पे मैं लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ली हूँ ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक बन जाए। इसमें मैं पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में कर लूँगी मिक्स करके, जब तक जो हमारा प्याज है वो जल गया है, मतलब जला नहीं है, वो अपने कलर में आ गया। तो उसमें जो कच्चा प्याज था और जो ग्रीन वाला था उसको डालने के बाद मैं तुरंत मसाला डाल दूँगी। अब मसाला को हम लोग फ्राई करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसमें पानी वानी डाल करके उसको बहुत देर तक फ्राई करेंगे, मतलब 10-12 मिनट तक फ्राई करेंगे। 10-12 मिनट तक फ्राई करते करते कंसिस्टेंसी उसकी इस टाइप से हो जाएगी, तब फिर हम लोग अंडा वंडा इसमें डाल करके उसको अच्छे से फ्राई करके उसमें ग्रेवी डाल देंगे। तो पता है मुझे कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर जब से मैं व्लॉगिंग करने लगी मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट आने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो अब पता है मुझे अच्छा फील होता है खाना वाना बनाने में, और मैं कभी सोच ही नहीं थी अपनी लाइफ में कि पढ़ाई के अलावा कभी खाना बनाऊँगी, और यूट्यूब के बारे में तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोची थी। और हाँ, इसको मैं ढक दे रही हूँ, अब जब वो ढकने लगेगा मतलब खोलने लगेगा तब उसको मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे ये इस टाइप से खोल रहा है, तो 2 मिनट में इसको खोलने दी थी, फिर मैं बंद कर दी थी, और बहुत अच्छा टेस्ट करता है। फिर मैं रोटी बना रही थी, एंड मुझे रोटी बनाने फ़िलहाल भी कुछ दिन पहले भी नहीं आता था, बट अब ना मैं बहुत प्रो हो गई हूँ, क्योंकि बनाते बनाते मुझे आदत हो गई। और मम्मी अकेले काम करती है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है मम्मी को काम करता हुआ देख के, तो मैं बोलती हूँ कि यार हट जाओ, वैसे ही पढ़ाई लिखाई तो मेरी रही नहीं, तो दो मैं ही काम कर देती हूँ, और काम करते करते वीडियोज़ भी बना लेती हूँ तो अच्छा लगता है। सो गाइस, हियर इज़ माय डिनर, एंड चपाती है यहाँ पे, अंडा करी, मतलब ये बहुत ही झटपट से बन जाता है और काफ़ी टेस्टी सा यम्मी सा टेस्ट करता है। ग्रेवी भी इसका देख सकते हो कितना थिक सा हो रखा है। सो यार फटाफट से मैं खाती हूँ।